तो गुरु लोग मैंने फाइनली ट्रांसफॉर्मर्स और ब्लडी डेविल ये बैक टू बैक देखी, क्योंकि मेरे को दोनों का रिव्यू डालना था ना, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। ये क्या बात करता है यार, ये वाली बात होती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब देखी ब्लडी रेडी तो ट्रांसफॉर्मर से तो बेटर इसकी स्टोरी लगी मेरे को। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल चलो बात करते हैं इसके रिव्यू की। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर उसके बताते हैं आपको। ये मूवी मेरे को बहुत बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल की पसंद है। क्यों? एक्टर की वजह से नहीं भाई, एक्टर तो मेरा फेवरेट है, वो आपको नहीं पता। तो दोस्तों फाइनली कबीर सिंह के बाद इसने मतलब कहते हैं ना कि भाई एक ऐसा एक्टर होता है जो कि अपना 1000% देता है अपनी एक्टिंग के अंदर, ये वो एक्टर है भाई शाहिद कपूर, एक ऐसा एक्टर जो कि हर एक्टिंग में ढल जाता है। और तो और भाई इसकी एक्टिंग सामने वाले को ये दिखाती कि ये तो किसी के लिए बना। अब भाई दो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके अंदर है, वो सबसे पहले बताता हूं दो पॉजिटिव पॉइंट। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, क्योंकि भाई वो जो पुलिस वाला कॉन्सेप्ट था और ये जो ड्रग माफिया का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा ले रखा था। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट भाई, इसी में ही जो शूट का जो वे था और फाइटिंग की जो मतलब अल्टीमेट लेवल की फाइटिंग, जॉन विक के साथ लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको, लेकिन एक्चुअलिटी जो बात है ना वो शाहिद कपूर की है। शाहिद कपूर है भाई, जॉन विक नहीं बन सकता, क्योंकि जॉन विक बॉलीवुड है और बॉलीवुड का जॉन विक सिर्फ शाहिद कपूर है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट में मेरे को सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट दिखा, क्योंकि ये पूरी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लड़के के बेस डैडी ब्लडी डैडी, तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं तो उसमें बहुत कम दिखाया। और भाई सेकंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, भाई सेकंड नेगेटिव पॉइंट इसमें खुद ही फाइटिंग का जो मतलब एक जो दुश्मन वाला होता है ना विलन वाला, वो पार्टिशन काफी कम सा लगा, वीक सा लगा। और मेरे को इस मूवी क्यों पसंद है, क्योंकि मेरे को इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। स्टोरी लाइन शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बहुत मजा मिला, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, बैठ के देखने वाली। और सबसे बड़ी बात आपको इसमें कबीर सिंह वाली एक्टिंग दिखेगी, क्योंकि भाई जो मार धाड़ है ना, मार धाड़ है वो तो सिर्फ कबीर सिंह जैसे उसने मारा था ना वो वही कर, और वो वही कर उसने वो करके दिखाया है एक्चुअली, तभी ये मूवी इतनी सक्सेसफुल है। और अगर कहे तो भाई सबसे अच्छी एक्टिंग इसी की लगती है मेरे को बॉलीवुड के अंदर। चलो इसका एक सीक्रेट बताता हूं, ये मूवी 100 करोड़ में बनी है, फ्रेंच की एक मूवी की कॉपी करी हुई मूवी है। और अली फिलहाल जिस मूवी की इन्होंने कॉपी करी है उस मूवी का तमिल वर्जन में भी बन चुका है, तो कॉपी बनाई हुई मूवी है। लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात, मूवी को इन्होंने इतना अच्छे से बनाया कि शायद इसने फ्रेंच ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा, तमिल वाला वर्जन देख रहा है इसको देखा, क्योंकि मूवी देखने का सिर्फ एक ही मोटिव इंसान का होता है कि स्टोरी अच्छी है या एक्टर अच्छा है या एक्टिंग अच्छी है या फिर स्क्रीन अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है तो मूवी देखने में और भी एक्साइटमेंट आती है। अभी तक ये मूवी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात, आपको कैसी लगी मेरे को बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।